हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज की जो वीडियो है उसमें हम बात करेंगे ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल जो कि आता है वर्ना SX वेरिएंट में, जो कि है 2013 वाली वर्ना, पुराना वाला जो वेरिएंट है इसकी। ये डीजल में मैं बैठा हूँ और इसका अपन ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल के बारे में बात करेंगे, क्या क्या फंक्शन है, किस तरीके से आप क्या यूज़ कर सकते हो। छोटा सा बड़ा सिंपल सा क्लस्टर है जिसमें बीच में डिस्प्ले आता है, यहाँ पे आपको बता रहा है कि आपका कौन सा एयर फ्लो सिलेक्टेड था, और यहाँ पे आपको आउटसाइड टेम्परेचर बता रहा है जो कि अभी हो रखा है 42 डिग्रीज, बहुत गर्मी है बार। तो यहाँ पे आपको मिलता है AC ऑन करने के लिए आप सिंपल फैन को, या आप टेम्परेचर गेज आप किसी को भी सेट कर सकते हो। तो आपका सिंपली वहाँ पे जो एयर कंडीशन सिस्टम है वो आपका ऑन हो जाएगा, सिंपल AC को बटन को दबा के सिंपल AC को ऑन कर सकते हो। यहाँ पे आपको मिलता है इस ये जो डायल है, इससे आपका टेम्परेचर सेट होगा। जैसे जैसे इसको कर रहा हूँ, मिनिमम टेम्परेचर लो पे चला जाता है जो कि, और मैक्सिमम टेम्परेचर इसमें हीटर हो जाएगा आई थिंक हाई पे। हाँ जी, और मैं टेम्परेचर वापस थोड़ा कम कर देता हूँ। यहाँ पे आपको मिलता है ऑटो का बटन, जो भी टेम्परेचर सेट है आप अगर इस पर ऑटो दबा दोगे तो ऑटो का यहाँ पे आ जाएगा, और गाड़ी अपना डिसाइड कर लेगी कि फैन स्पीड और कौन सी जगह से एयर आनी चाहिए। मैं इसको थोड़ा कम कर देता हूँ जिससे कि ऑटो को ऑफ कर देता हूँ जिससे कि थोड़ा शोर ज़्यादा नहीं आए इसमें जी। तो बाकी बात करें तो इस साइड आपको मिलता है फैन कंट्रोल, फैन का आपको ब्लोअर अगर आपको मैन्युअली सेट करना है, और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाती है कि आपको एयर सर्कुलेशन अंदर की रखनी है या आपको बाहर से एयर गाड़ी के अंदर चाहिए। यहाँ पे आपको सेंसर मिल जाता है सिंपल जो टेम्परेचर को गेज करता है गाड़ी का, और यहाँ पे आपको AC ऑन ऑफ करने का ऑप्शन मिल जाता है, और आपको यहाँ पे मोड सिलेक्टर मिल जाता है कि मतलब आपको हवा कहाँ चाहिए। आप बता रहा है कि हवा मेरे फेस पे और पाँव पे आ गई, ये सिर्फ पाँव पे हो गई, इसको दोबारा प्रेस करूँगा ये हवा नीचे चली गई और हवा आएगी ऊपर सामने से, मतलब जो कि है वहाँ से विंडस्क्रीन को ठंडा या गर्म करने के लिए, और ये आ गई आपके फेस पे बैक। तो ये इसके सारे यहाँ पे फंक्शंस थे, और ये भी AC के इंक्लूसिव ही फंक्शन है, ये रियर डिफॉगर को ऑन करने के लिए और ये फ्रंट डिफॉगर को ऑन करने के लिए। अगर मैं फ्रंट डिफॉगर को प्रेस कर दूंगा तो गाड़ी ऑटोमेटिकली एकदम मिनिमम टेम्परेचर पे जाके AC को ऑन करके, ये देखो इसने आपको बाहर वाला भी एयर सर्कुलेशन ऑन कर लिया और हवा को अपने आप डायरेक्ट कर रहा है वहाँ पे। आप इसको ऑफ कर दूंगा तो वापस अपने नॉर्मल उस बेसिक जो था मोड उसके आ जाएगा। अब मैं ये बताऊंगा आपको, गर्मी जैसे यहाँ पे इतनी ज़्यादा गर्मी होती है जहाँ पे भी टेम्परेचर काफ़ी हाई रहता है, तो वहाँ पे हमेशा रिकमेंडेड है कि आप AC को रीसर्कुलेशन मोड पे रखें, उसमें कूलिंग जल्दी भी होती है, और सेकेंडली जो बाहर की जो फाउल स्मेल होती है वो भी केबिन के अंदर नहीं आती। और इस गाड़ी के अंदर जो भी इसका AC का मॉड्यूल है उसके साथ आपको यहाँ पे क्लीन एयर भी आता है। क्लीन एयर का बेसिकली क्या है, एक छोटा सा कार्बन फिल्टर लगा रखा है AC सिस्टम के अंदर, जो कि जितने भी तरीके के जो बैक्टीरिया फॉर्म होते हैं मानसून सीजन में, और जहाँ पे AC चलता है वहाँ पे थोड़ा मॉइस्चर भी होता है अंदर, क्योंकि वो पानी अक्यूमुलेट कर लेता है जो केबिन में होता है, तो उसको वजह से किसी भी तरीके का कोई बैक्टीरिया फॉर्मेशन ना हो उसको भी साफ करने के लिए आपके यहाँ पे ये आपको मिलता है ये वाला फिल्टर। आजकल की जो गाड़ियाँ उनमें भी काफ़ी एडवांस सिस्टम आ गई, उनमें एयर प्योरीफायर्स वगैरह बहुत सारी तरीके की और चीज़ें आ गई हैं, बट ये एक बेसिक माइल्ड सिस्टम है आपके इसके लिए। और भी किसी तरीके का आपको कोई कनेक्टेड फीचर या आपको कुछ नहीं मिलता, सिंपल मैनुअल आपको AC मिलता है यहाँ पे। और बस यही कुछ था इस वीडियो में, आई होप कि आपको अच्छा लगा हो। अब जैसे ऑफ भी कर दोगे तो आपको यहाँ पे जैसे कि मैंने पहले बताया आपको, बस आपको लास्ट मोड टेम्परेचर आपको बताता रहेगा, और ये आप यहाँ पे फिर भी टॉगल कर सकते हो कि गाड़ी चलाते हुए आपको सर्कुलेशन अंदर की रखनी है या बाहर की। तो आई होप आपको एक सिंपल सा छोटा सा वीडियो आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल के बारे में अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा आपको ये वीडियो तो ज़रूर सब्सक्राइब करें चैनल को, लीव योर थॉट्स बिलो इन द कमेंट सेक्शन, एंड आई होप टू सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन बाय।